माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। इट्स मेकअप रिव्यू टाइम। मैं पहले ऐसे कितनी वीडियोस बनाती थी जहाँ मैं फर्स्ट इंप्रेशंस आपको दिखाती थी, जो भी मैंने नया मेकअप लिया है। सो काफ़ी सारा मेरे पास अभी मेकअप है फ्रॉम एवरी स्टेप, लाइक फाउंडेशन, कंसीलर, सेटिंग स्प्रे, आई शेडो, कलर करेक्टर। काफ़ी सारा नया मेकअप अब मैं खोल रही हूँ बिकॉज मेरा पुराना धीरे धीरे एक्सपायर हो रहा है। सो आई एम काइंड डिस्कार्डिंग देम नाउ। नॉट जस्ट मेकअप, आई विल बी डूइंग माई स्किन केयर रूटीन एज वेल। सो आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि अगर आपकी भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है या फिर एक्ने मार्क्स है तो आपको स्किन प्रेप कैसी करनी चाहिए और फिर मेकअप कैसे करना चाहिए। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले सर वापस आएंगे, थोड़ा सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो सो दैट यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली। आई मेक सम अमेजिंग कंटेंट रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली। द जेमिनी मी एक्सपेरिमेंट्स अ लॉट, सो आई एम श्योर आपको मेरा चैनल पसंद आने वाला है। एंड या नाउ लेट्स गो। बाल मैंने कर लिए पीछे ताकि फेस पर ना आए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्किन केयर रूटीन के साथ। अब क्या है ना, मानसून चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर ह्यूमिडिटी भी है, चिपचिप बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस सीज़न में तो होता ही है कि मेरे ब्रेकआउट्स और बढ़ जाते हैं। रिसेंटली मुझे 2-3 ब्रेकआउट्स यहाँ पर आए हुए हैं। एंड ऑफकोर्स जो पहले के ब्रेकआउट्स हैं उसके मार्क्स तो रह ही जाते हैं। सो जब भी ये दो प्रॉब्लम होती है ना, एक्ने और मार्क्स की, तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा एक्ने के लिए सैलिसिलिक एसिड लगा लो, कुछ लोग कहते हैं मार्क्स के लिए नियासिनमाइड लगा लो। बट आई हैव वन सोल्यूशन फॉर यू जिसके अंदर दोनों इंग्रीडियंट्स का बहुत अच्छा आपको एक मिक्स मिलने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डर्माकोज सैलिसिनमाइड रेंज। ये रेंज मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसका फेस वॉश मैं खुद इतने दिनों से यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट अब तो ये खत्म होने वाला है एंड आई ऑलरेडी हैव अ बैकअप ऑफ इट, सो ये टू दैट। सो दिस इज द डर्माकोज सैलिसिनमाइड एंटी एक्ने फेस वॉश विद द पावर ऑफ 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 2% नियासिनमाइड। सो आपको दो एक्टिव्स की पावर एक ही प्रोडक्ट में मिल रही है। इट्स का बहुत अच्छा जेल बेस्ड टेक्सचर है जो काफी अच्छे से फोम भी होता है, स्किन को क्लेंस बहुत अच्छे से करता है। 2% सैलिसिलिक एसिड एक्ने के साथ फाइट करता है, ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करता है एंड 2% नियासिनमाइड हेल्प करता है एक्सेस ऑयल को हटाने में। ओवरऑल ये पोर्स को अनक्लॉक करते हैं, एक्ने मार्क्स को भी फेड आउट करने में हेल्प करते हैं। आई लव द फैक्ट इसको यूज करने के बाद मेरी स्किन ऐसे ड्राई, खिची खिची फील नहीं होती। इट फील्स वेरी नरिश्ड एंड हेल्दी। स्टेप नंबर 2, आई एम गोना बी यूजिंग द डर्माकोज सैलिसिनमाइड एंटी एक्ने सीरम विद द पावर ऑफ 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 5% नियासिनमाइड। इसके अंदर भी आपको दो एक्टिव्स की पावर मिल रही है। काफी अच्छा इसका जेल बेस्ड टेक्सचर है जो बहुत अच्छे स्किन में चला जाता है, बिल्कुल भी क्रीसी चिपचिप फील नहीं होता। अगेन इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्ने बट ऑल्सो ट्रीट्स एक्ने मार्क्स साइमल्टेनियसली। दोनों का ये काम करता है। दोनों बहुत अच्छे इंग्रीडियंट्स का मिक्सचर आपको इसके अंदर मिल रहा है। सो आप अलग से अगर सैलिसिलिक एसिड सीरम या नियासिनमाइड अलग अलग प्रोडक्ट्स लेयर नहीं करना चाहते, आप ये एक सीरम यूज कर सकते हो एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता। सो मेरी ऐसी ऑयली स्किन के लिए काफी अच्छा है। जो 5% नियासिनमाइड है ना, वो एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। तो इसके बाद जब मैं मेकअप यूज करूंगी मेरी स्किन एक्सेसिवली ऑयली या फिर ग्रीसी नहीं फील होगी। नाउ कम्स द थर्ड स्टेप ऑफ माई स्किन केयर रूटीन विच इज अ नाइस SPF एंड यू गाइज नो माई लव फॉर दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन। ये तो मैं लास्ट 2 साल से यूज कर रही हूँ। आई थिंक मैंने कितनी ट्यूब्स इसकी फिनिश कर दी होगी। मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रिप्स पे या फिर बीच ट्रिप पे भी जाती हूँ मैं हमेशा इसको लेके जाती हूँ। दिस इज द डर्माकोज 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई, इट इज फ्रेग्रेंस फ्री। बाय द वे डर्माकोज के सारे प्रोडक्ट्स अब फ्रेग्रेंस फ्री है। सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है आप इसको तब भी यूज कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा क्विक एब्जॉर्बिंग फॉर्मुला है। SPF 50 विद PA 4x+ UVA UVB प्रोटेक्शन देता है अलॉन्ग विद ब्लू लाइट प्रोटेक्शन एज वेल। बहुत लाइट है, फ्रेग्रेंस फ्री है, कोई भी व्हाइट कास्ट छोड़ता नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई की जो नरिशमेंट है ना, इसके ऊपर जब मैं मेकअप करती हूँ तो काफी अच्छे से मेरा मेकअप ड्यूई हेल्दी लगता है, बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होता। इट मेक्स योर स्किन सॉफ्ट लाइक बटर। आई लव हाउ माई स्किन लुक्स आफ्टर यूजिंग द होल 3-स्टेप रूटीन। इट्स मैटिफाइड येट इट इज नरिश्ड एंड यू कैन सी द शाइन एज वेल। ऐसा नहीं है मैट है तो बिल्कुल सूखी सूखी स्किन लग रही है। सनस्क्रीन नरिशमेंट भी अच्छी दे रहा है बट ये जो सीरम है ना, ये काफी अच्छे से ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। सो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम डर्माकोज ऑफिशियल वेबसाइट। यू कैन यूज माई कोड कशिका 2024 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। ये कोड एफिलेट नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर माई ऑडियंस। डर्माकोज से ही लेना चाहते हैं तो आप बाकी वेबसाइट से भी ले सकते हो, लाइक नायका, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल। मैं उन सबके लिंक्स भी नीचे दे दूंगी। व्हेनेवर यू बाय फ्रॉम डर्माको यू आर एक्चुअली टेकिंग अ पार्ट इन अ गुड इनिशिएटिव बिकॉज डर्माको हैज एम्पावर्ड 20,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस दिस ईयर विद अ यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम डर्माको दे विल लिंक यू ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि विच इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। एंड डर्माको के सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेग्रेंस फ्री है, सो दीज आर सूटेबल फॉर एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन एज वेल। सो डेफिनेटली चेक इट आउट। मैं इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। माय स्किन इज ऑल सेट एंड प्रेप फॉर द मेकअप। सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ एक टिंटेड लिप बाम और अ नरिशमेंट, यू कैन से। वैसे लिप बाम नहीं है, इट्स मोर लाइक अ टिंट। इसका नाम है रोमान जूसी लास्टिंग टिंट। ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ लेकिन मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया, सो मुझे लगा इसमें इंक्लूड कर देते हैं। सो दिस वन इज इन द शेड फिग फिग एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल शेड। स्पेसिफिकली अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है, इंडियन, हल्की सी एक
लाइक वीटिश अंडरटोन, ये बहुत सुंदर लगता है. वेयर इज माई मिरर? यू कैन यूज इट ऑन योर चीक्स एज वेल, बट द ओनली थिंग इज ये चीक्स पे जैसे ही लगाते हैं ना, ये टिंट है इतनी जल्दी सेटल हो जाता है. अगर आपने फटाफट ब्लेंड नहीं किया तो ऐसे मार्क्स छोड़ जाएगा. सो मैं इसको एज अ ब्लश कम यूज करती हूँ, बट आई यूज इट एज अ लिपस्टिक. मैं जिम भी जाती हूँ तो यही लगा के जाती हूँ, बिकॉज ये बहुत नेचुरल सा टिंट देता है. ऐसा ही लगता है मैंने कुछ लिप ग्लॉस लिपस्टिक टाइप कुछ लगाया हुआ है. फॉर प्राइमर आई डोंट हैव एनी न्यू प्राइमर, बिकॉज मेरे जो रखे हैं मैं पहले वो वाले फिनिश ऑफ करूंगी. प्राइमर काफी लंबे चलते हैं, बिकॉज डेली बेसिस पे जो मैं मेकअप करती हूँ ना उसमें प्राइमर इतना यूज नहीं करती. जैसे मैंने अभी डमाको की सनस्क्रीन लगाई है, उसके ऊपर हल्का का बीबी क्रीम लगा लिया एंड दैट्स इट. लेकिन आज मैं प्रॉपर एक मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, सो प्राइमर यूज कर ही लेते हैं. आई एम गोना बी यूजिंग द डर्माकोज 2% नाइसरमाइट पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. ये मेरा ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है, सो मैं इसको बस फिनिश ऑफ करने वाली हूँ. आई लव सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, ये तो मैं काफी पहले रिव्यू भी कर चुकी हूँ. जब भी आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाओ ना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस एरिया, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें से पोर्स होते हैं. जहां पर भी आपको लगता है पोर्स बहुत ज्यादा है, लाइक मुझे यहाँ पर है थोड़े नोज के एरिया के आसपास, और जो थोड़ी बहुत स्कारिंग है पुराने एक्ने की वो यहाँ पर है. तो जितने भी स्कारिंग है मैं उसको भी फिल कर देती हूँ. जो भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है ना वो काफी अच्छे से आपकी जो स्कारिंग होती है उसको फिल इन कर देता है. सो जो आप मेकअप करोगे काफी एक स्मूथ बेस निकल के आएगा. गिविंग माई स्किन अ लिटिल रेस्ट, प्राइमर लगाती मैं एकदम मेकअप स्टार्ट नहीं करती, लेट इट एब्जॉर्ब इन टू माई स्किन. आई लव हाउ माई स्किन फील्स एकदम सॉफ्ट स्मूथ, बिकॉज सारे पोर्स एकदम ब्लर आउट हो गए हैं. नाउ फॉर करेक्टर आई हैव फ्यू ऑप्शन, इनफैक्ट मोर देन फ्यू ऑप्शन, बिकॉज मैं कलर करेक्टिंग काफी करती हूँ. आई हैव एक्ने मार्क्स, थोड़ी बहुत स्कारिंग है. खाली फाउंडेशन लगाओ ना तो एक इफेक्ट नहीं आता. सो मेरे पास तीन करेक्टर हैं, जिसमें से एक मैं रेगुलर बेसिस पे यूज भी कर चुकी हूँ लेकिन रिव्यू नहीं किया था. सो रिव्यू भी आपके लिए कर दूंगी. सबसे पहले है टू फेस्ड का बॉन दिस वे सुपर कवरेज मल्टी यूज कल्पटिंग कंसीलर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई एम इन द शेड टैफी, जो एक सॉर्ट ऑफ कलर करेक्शन का काम करता है, बिकॉज इसका एक वॉर्मिश पिंक अंडरटोन है. लेकिन ये इतना भी डार्क वाला करेक्टर नहीं है. प्रॉपर जो ऑरेंज कलर करेक्टर है वो ये दो है मेरे पास. सबसे पहले ये वाला है जो मैंने रिसेंटली लोकल मार्केट से लिया है, मुझे दिख गया. मैंने उनसे पूछा कैसा वर्क करता है, बिकॉज ये एकदम क्राइलॉन का ड्यूप लग रहा था. दे से ट्राई करो, ये बहुत अच्छे से कलर करेक्टिंग करता है, और वो खाली 100 rupees में ही दे रहे थे तो मैंने ले लिया. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड मलायो, आई डोंट नो. प्रोफेशनल मेकअप बेस, आई एम इन द शेड 303 एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका MRP 149 लिखा है, लेकिन उन्होंने मुझे दिया है ये 100 rupees का. और ये दिखता भी बिल्कुल क्राइलॉन के मेकअप बेस की तरह है. क्राइलॉन का भी कुछ ऐसे ही आता है, उसमें खाली लिड नहीं आती. इसकी काफी अच्छी लिड है, विच आई रियली लाइक. लाइक अगर ट्रैवल करना हो तो मैं इसको ऐसे लॉक करके ट्रैवल भी कर सकती हूँ. सो आज मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ, बिकॉज जो तीसरा ऑप्शन है स्विस ब्यूटी का, वो मैं काफी बार यूज भी कर चुकी हूँ एज इन द कंसीलर. ये वैसे ऑरेंज करेक्टर है, लेकिन स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैं काफी बार यूज कर चुकी हूँ. एंड आई थिंक दिस इज टू ऑरेंज फॉर माई फेस, लाइक लुक एट दिस. मैं ये वॉर्म वाले येलो कंसीलर यूज करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ. ये होता है प्रॉपर फुल कवरेज मेकअप करने के लिए, कि आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हो या फिर आपके बहुत ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, एक्ने मार्क्स बहुत ज्यादा वाले हैं. मुझे अभी इतने ज्यादा वाले नहीं है, तो मैं हल्की फुल्की कलर करेक्शन इससे ही कर लूंगी. मुझे ऐसे वॉर्म येलो अंडरटोन के अच्छे लगते हैं. ओके, दिस इज स्मूथ, नाइस, काफी अच्छा स्मूथ फील हो रहा है. एक बार जरा स्वॉच करके देखें. ओ नाइस, मतलब क्रायलॉन जितना ओवर स्मूथ नहीं है, बट आई लाइक इट. मतलब मुझे कभी कभी क्रायलॉन का जो सुप्रा कंसीलर मैं यूज करती थी वो बहुत ज्यादा ग्रीसी लगता था. आई लव शोइंग यू गाइस इन अ ज़ूम इन मोड, सो दैट आपको पता हो कि मेरी स्किन की अभी क्या कंडीशन है एंड हाउ इट इज वर्किंग. सी इट्स नाइस, काफी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है एंड दैट्स इट. यू कैन सी आई लव, ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है. मैंने इनसाइड्स का भी वो कलर व्हील यूज करा हुआ है, वो तो बहुत ही ग्रीसी था. दिस इज माई फर्स्ट एवर पैन वाला कलर करेक्टर जो बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है. बड़ा मैटिफाइड सा फील हो रहा है फेस पे. माई कलर करेक्शन इज ऑल डन. थोड़े बहुत मार्क्स इससे कंसील हो गए हैं, ताकि फाउंडेशन पे बेचारे पे इतना बोझ ना आए. जब भी आप अच्छे से कलर करेक्शन कर लेते हो ना, तो फाउंडेशन कम लगाने की जरूरत होती है, बिकॉज बेस पे आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत करेक्शन कर दिया है. और फाउंडेशन आई हैव द न्यूली लॉन्च, इनफैक्ट थोड़ा सा टाइम भी हो चुका है. दिस इज द मेबेलिन लूमी मैट फाउंडेशन. मैंने इसमें शेड ले लिया था 230. मैंने पता नहीं क्या सोच के 230 लिया. आई थॉट 220 भी काफी बना, ऐसे ऑक्सीडाइज होता है या फिर थोड़ा सा ऑफ लगता है. और मैं उस टाइम थाईलैंड जा रही थी, आई थॉट आऊंगी तो थोड़ी बहुत टैन होंगी तो शायद सूट नहीं करेगा. तो मैंने 230 मंगवा लिया एंड इट इज क्लियरली स्लाइटली डार्क ऑन मी. मेरे पास इसकी ओल्डर फॉर्मुलेशन भी है, विच इज द मेबेलिन सुपर स्टे 1, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था. ये तो मैं बहुत यूज करती थी पहले. सो यू कैन सी द डिफरेंस. ये है मेरा 128 वाला एंड दिस इज 230. कितना डिफरेंस है दोनों में. ये थोड़ा सा लाइटर फील हो रहा है एंड दिस वन इज स्लाइटली
वार्मिश अंडरटोन, वेरी वेरी लाइट. जो पुराना फॉर्मुलेशन है ना मेबेलिन सुपर स्टे की, वो बहुत थिक थी, बट दिस वन इज सुप्रीमली लाइट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज करूँ तो चलेगा, आई थिंक चल जाएगा. लाइक रियल लाइफ में जब थोड़ी देर बाद देखते हैं थोड़ा सा वार्मिश फील होता है, तो आज जरा मिक्स नहीं करते, जरा रिव्यू कर ही रहे हैं तो डायरेक्टली कर लेते हैं. नाउ द गुड पार्ट अबाउट दिस फाउंडेशन एज कम्पेयर टू द फिटमी वन एंड सुपर स्टे वन इज लाइट है लेकिन कवरेज अच्छी देता है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता. इफ यू आर समवन जिसको हैवी मेकअप करना नहीं पसंद, कि कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, थोड़ी बहुत कवरेज भी चाहिए लेकिन ऐसा भरना नहीं है फेस पे फाउंडेशन, तो ये लूमी मैट आप डेफिनेटली ले सकते हो. नाउ फॉर मेकअप ब्रशेस आई विल बी यूजिंग दिस न्यू सेट जो अभी नायका के पीआर में मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ था. दिस वन इज फ्रॉम ब्रॉन्सन. ये प्रीमियम 10-पीस मेकअप ब्रश सेट कुछ इस तरह से दिखता है. इसके अंदर 10 मेकअप ब्रशेज आते हैं और ये काफी अच्छे डिस्काउंट पे नायका पे अवेलेबल है जब भी सेल आती है. सो मैं इसमें से निकालने वाली हूँ एक बेस वाला ब्रश. मैंने आपको ये सारा ब्रश सेट दिखाया भी था जो मैंने सेल हॉल बनाया था, अभी दोबारा दिखा देती हूँ. सो दीज आर द ब्रशेज. इट्स नॉट द बेस्ट क्वालिटी. लाइक अगर आप जूम इन करके देखो, आपको दिख रहा है ये वाला ऐसे हेयर निकल रहे हैं, थोड़े बहुत ऐसे हेयर पीप आउट हो रहे हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए या फिर अगर आप बिगिनर हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बिकॉज ओवरऑल जो ब्रशेस की वैरायटी है वो काफी अच्छी. आई एम गोना बी यूजिंग द फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश जो दिखता है कुछ इस तरह से फॉर माय फाउंडेशन एप्लीकेशन. एंड मैंने ऑलरेडी हाथों से थोड़ा बहुत ब्लेंड कर दिया था. मैं कभी भी फाउंडेशन ऐसे डायरेक्टली पिक नहीं करती या फिर ब्लेंडर से पिक नहीं करती, बहुत फाउंडेशन ऐसे ना वेस्ट हो जाता है. जस्ट फील लाइक हाथ से ब्लेंड कर लो और फिर जो थोड़ा बहुत बचा है उसको ब्रश या फिर ब्लेंडर की मदद से आप हल्का फुल्का ब्लेंड कर सकते हो. एंड यू कैन ऑलरेडी सी द वार्मिश अंडरटोन आपको दिख रही है. एक तो मैंने नीचे येलो करेक्टर भी यूज कर लिया. नाउ द मेन बेस इज ऑल डन. मैं कुछ हाइलाइटिंग कंसीलर नॉन नहीं यूज करने वाली हूँ. और पीछे कड़क रही है बिजलियां बहुत तेज, आई थिंक बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में. नाउ फॉर ब्लशेज आई हैव लॉट ऑफ शेड्स राइट ओवर हियर बिकॉज मार्स वॉज काइंड एनफ टू सेंड मी द एंटायर शेड रेंज. उन्होंने न्यूली लॉन्च करी है. दिस इज द मार्स लिक्विड ब्लश ब्लश और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं. आई हैव 6 शेड्स ओवर हियर. लव द फैक्ट जब ब्रांड्स बहुत सारी शेड्स में लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट्स. इसी में सेपरेटली रील या फिर शॉर्ट्स डालूंगी जिसमें सारे आपको सर्च करके दिखाऊंगी, बिकॉज यहाँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो आई हैव 6 शेड्स ओवर हियर. बहुत अच्छी वैरायटी है. वी हैव लाइट न्यूड, हल्का सा पिंकिश भी है, थोड़ा वॉर्म टोन में भी है. जो 6 नंबर है वो तो लिटरली सबसे डार्केस्ट ब्लश है. आई एम गोना बी यूजिंग 04 बिकॉज इसका जो शेड है मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, जो मैं लगाना प्रेफर करती हूँ, दैट मॉविश पिंक काइंड ऑफ शेड जो लाउड नहीं लगता बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छी पिगमेंटेशन भी देता है. वी हैव अ नोजल ओवर हियर, दैट्स गुड. ऐसे नोजल वाले ब्लशेस ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. सो मार्स वेरी गुड जॉब. लेट्स सी हाउ इट लुक्स. ओह लव द शेड, इट्स लाइक दैट परफेक्ट मॉविश शेड जो मैं लगाना प्रेफर करती हूँ. थोड़ा लगाते हैं बिकॉज मुझे पता नहीं इसकी पिगमेंटेशन कितनी है. वाइन इफेक्ट, कैन यू सी, एकदम इसका वाइन वाला कलर है. सो जरा इसको ट्राई करके देते हैं. मैं इसको फिंगर की मदद से ब्लेंड करने वाली हूँ. ब्रश एंड ऑल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मुझे डेली बेसिस पे ब्रशेज यूज करना नहीं पसंद बिकॉज गंदे ब्रशेज की वजह से ही एक्ने ज्यादा होते हैं. ओके, ये मैंने ज्यादा लगा दिया. दिस इज द रियल कलर. ये मैंने बहुत हल्का हल्का लगाया था ब्लेंड करके, लेकिन मैंने डायरेक्टली लगा दिया. चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द फाउंडेशन ब्रश. आप कोई भी अपना फाउंडेशन ब्रश यूज करोगे ना, उसको थोड़ा बहुत फाउंडेशन ऐसा लगा होता है ना, तो आपका वो एकदम स्किन में ब्लेंड हो जाता है. एंड लुक एट दैट, looks nice. Okay, quick review time. I personally love it. बहुत अच्छे से blend हुआ है. यहाँ मैंने finger से blend किया था, काफी natural effect आया है. यहाँ पे मैंने directly लगाया, बहुत अच्छा है, pigmentation आई है. So daily basis पे use करने के लिए काफी अच्छे blushes हैं. Now basis done, वैसे ज़्यादा setting की ज़रूरत नहीं है, because जितने भी हमने products use कर रहे हैं, वो अपने आप में थोड़े बहुत mattifying है, इतने overly chip chip वाले नहीं है. But still थोड़ा बहुत मैं face अपना set करूँगी. I'll be using my favorite sugar का play banana compact. इसका अपना sponge भी आता है. I don't have any new compact to review, तो जरा यही use कर लेते हैं. So I'll just take a little bit amount excess को मैं टैप ऑफ कर देती हूँ. और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि स्वेटिंग हो सकती है, वहाँ वहाँ मैं इसको यूज कर रही हूँ. लेट्स कम टू द आईज नाउ. फॉर आईज आई बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर पैलेट, लेकिन मैं एक ही शेड यूज करूंगी बिकॉज मैं हैवी मेकअप लुक कुछ क्रिएट नहीं कर रही. ये हैप्पी व्हेन आई रिसीव्ड इट इन नायका पीआर. द शेड इज 03 बाय द वे. मेरे पास ऑलरेडी इसका एक और शेड रखा है. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. इट इज लाइक द परफेक्ट पैलेट जो हम ब्राइडल या फिर थोड़े से पार्टी मेकअप लुक करते हैं ना, स्पेशली इंडियन फंक्शन वाले, बिकॉज मैं ऐसे वार्म टोन वाला ही मेकअप करना प्रेफर करती हूँ. लाइक ऐसे वार्म आई शेडो लगा ली, थोड़ा बहुत उसको स्मोकअप कर लिया, थोड़ा सा शिमर लगा लिया,
अगर आप कुछ लाइक ब्राइड टू बी हो या फिर आप शादी पार्टी के लिए कोई एक छोटा सा पैलेट देख रहे हो जो अफोर्डेबल, आप डेफिनेटली ये वाला पैलेट ले सकते हो। आई बी यूजिंग माई फेवरेट आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, ये है मार्स का, बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है और एकदम मेरी आईलेट्स के लिए परफेक्ट है। तो मैंने ऑलरेडी अपनी आईलेट्स पे ना फाउंडेशन ऑल लगा ही लिया था, तो मेरी आईलेट्स थोड़ी बहुत इवन आउट हो गई है। सो एक नेचुरल लुक क्रिएट करनी है तो मैं ये वार्मिश वाला शेड यूज करने वाली हूँ। मैट कलर है, एक वार्म ऑरेंज ब्राउन सॉर्ट ऑफ एक कलर है, तो इससे जरा मैं अपनी एक क्रीज सॉर्ट ऑफ बना लेती हूँ, सो दैट इसके बाद जब आईलाइनर लगाऊं तो वो काफी डिफाइंड लगे। सो या लेट्स डू इट। बहुत अच्छा वार्म इफेक्ट आ चुका है। अब मैं इस पैलेट का सबसे डार्केस्ट शेड ले रही हूँ एंड जस्ट टच ऑफ इट, ज्यादा एक्सेसिवली नहीं ले रही, बहुत हल्का सा लेके एक्सेस को मैं हाथ पे निकाल दूंगी। बहुत हल्का एक वार्म ब्राउनिश टच चाहिए मुझे, सो दैट आईज हल्की हल्की डिफाइन हो जाए। उसको मैं ऐसे पेंस पे यूज कर रही हूँ। तो काफी अच्छा एक वार्म इफेक्ट क्रिएट हो गया आईज पे। अब मैं बनाने वाली हूँ विंग लाइनर। आई बी यूजिंग अ जेल बेस्ड लाइनर जो मेरे पास बहुत टाइम से रखा था, फाइनली मैं इसको खोलने वाली हूँ। दिस वन इज फ्रॉम फॉरएवर 52 लॉन्ग वेयर जेल आई लाइनर एंड टैटू। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने अपनी मेकअप क्लासेस में सीखा कि जब भी आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक करना है आपको हमेशा जेल लाइनर यूज करना, आपको लिक्विड नहीं यूज करना, आपको कुछ भी पैलेट वाले लाइनर नहीं यूज करने, काजल वाले लाइनर यूज नहीं करने, आपको जेल लाइनर यूज करना है। बिकॉज ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये जब स्मोकअप होते हैं तो काफी नेचुरल लगते हैं और ये लिक्विड के कंपैरिजन में और बेटर होता है वर्क करना। तो ये कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में आया है फॉरएवर 52 का। वी हैव टू ब्रशेस इनसाइड इट। ओह, आई थॉट वन आएगा बट इन्होंने दो ब्रशेस दिए हैं। एक तो एकदम आईलाइनर वाला ब्रश है जो काफी अच्छी छोटी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में आया, तो अगर आपको ट्रैवल भी करना है दिस इज गुड। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था सेट, बाय द वे काफी अच्छा शार्प इसका ब्रश है। और दूसरा वाला जो ब्रश है वो एक एंगुलर ब्रश है जिससे आप बहुत अच्छा एक विंग क्रिएट कर सकते हो। सील ओवर है, जब भी जेल लाइनर को आपको यूज करना है थोड़ा सा लिया और इसको ऐसे उल्टा करके रख देना या फिर इसके ऊपर ही रख देना, जस्ट मेक श्योर इस पर हवा कम से कम लगे। अगर इसको आप खोल के ऐसे बहुत देर तक रखोगे, आप लाइनर लगा रहे हो, ठीक कर रहे हो, मिटा रहे हो और ये खुला हुआ है, ये खराब हो जाएगा, ये फिर लंबा आपका नहीं चलेगा। सो आप कोई भी ब्रांड का लो, नायका का, मेबलिन का, किसी ब्रांड का लो, ये हमेशा ऐसे बंद होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। फर्स्ट डाइव इन टू द न्यू पैलेट। ये वाला ब्रश थोड़ा मोटा है, जो हम यूज करते हैं ना जेल लाइनर का ब्रश काफी पतला होता है, बट दिस वन इज क्वाइट थिक। यूजिंग द एंगुलर ब्रश जो इसके साथ आया है, अगेन हल्का सा डिप कर रही हूँ, ज्यादा नहीं। अगर मैं इसको स्मोकअप कर दूंगी तो बहुत अच्छी एक स्मोकी आई लुक क्रिएट होगी। जरा स्मोकअप करके देखते हैं। आई एम गोना बी यूजिंग दिस ब्रश जो ये ब्राउन के ब्रश सेट का ही है। ये ब्रश मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, फ्लैट है लेकिन आगे से काफी अच्छा एक डेप्थ है, सो इससे जरा स्मोकअप करके देखते हैं हाउ इट लुक्स। सॉफ्ट स्मोकी इफेक्ट लुक्स लाइक। अगर इसको और ज्यादा सॉफ्ट करना है तो आप कोई भी पैलेट लेके एक डार्क कलर ले सकते हो, लाइक आई एल बी यूजिंग द डार्क ब्राउन कलर। ब्लैक कलर उठाओगे ना तो बहुत ओवर ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, सो हमेशा ब्राउन कलर से सॉफ्ट किया करो स्मोकीनेस को। सो आई एल बी यूजिंग द ब्राउन कलर एंड सॉफ्टिंग इट आउट अ लिटिल। सी विदाउट लाइनर, विद लाइनर स्लाइटली स्मोक्ड अप, ओवर स्मोकी नहीं किया, हल्का हल्का स्मोकीनेस किया एंड आई थिंक इट लुक्स नाइस। इट्स टाइम फॉर मस्कारा नाउ। आई बी यूजिंग द टू फेस बेटर देन सेक्स मस्कारा। मैं ऑलरेडी ये वाला मस्कारा यूज कर रही हूँ लेकिन उसको काफी टाइम हो गया और अब मैं उसको जरा बाय बाय कह दूंगी। लेकिन ये इनका लिमिटेड एडिशन वाला वर्जन है, वो नॉर्मल वर्जन था। दिस इज द बेटर देन सेक्स लिमिटेड एडिशन वर्जन। इसका लिमिटेड एडिशन इसलिए है बिकॉज इसके ऊपर ऐसे स्टार्स बने हुए हैं, यू कैन सी फ्रॉम द इफेक्ट। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव बट अगर आप स्प्लर्ज करना चाहते हो, इफ यू कैन इन्वेस्ट, जस्ट बाय दिस वन बिकॉज से लैशेज आपकी इतनी सुंदर लगती है। लाइक यू कैन सी हैव फ्लैट लैशेज, आपको अभी दिख भी नहीं रही होंगी मेरी इतनी फ्लैट लैशेज हैं। और अभी मैं आपको जरा एक डिफरेंस दिखाती हूँ। एंड लुक एट द डिफरेंस। ये तो दिख भी नहीं रही है एंड दिस लिटरली फील्स लाइक सम वॉल्यूम फॉर द लोअर वाटर लाइन, ताकि हल्का सा एक बहुत अच्छा लुक कंप्लीट हो। बिकॉज जब तक लोअर वाटर लाइन पे आई शेडो ही लगती ना लुक बड़ा
इनकम्प्लीट लगता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं बहुत नेचुरल आई लुक करने वाली हूँ, लेकिन ये कि फेस्टिव वेडिंग आई लुक ही हुई है, सो जरा शिमर भी ऐड कर ही लेते हैं। सो सेम पैलेट काम है, गोल्डन शिमर उठाने वाली हूँ। लव द फैक्ट इसमें सारे गोल्डन के शेड है, वी हैव लाइट गोल्डन, वी हैव अ ब्रोंज कलर, रोज गोल्ड भी है, तो मैं ये वाला शेड लेने वाली हूँ जो काफ़ी अच्छा एकदम चटाक वाला गोल्डन है। एंड आई एम गोना मिक्स अ लिटिल ये नीचे वाला जो थोड़ा सा रोज गोल्ड कलर है, फिंगर पे ही लिया एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन माय आईलिड्स ताकि थोड़ा सा एक कलर पॉप हो पाए। सो उसको बाहर की तरफ नहीं लगाना, जस्ट द इनसाइड कॉर्नर और थोड़ा सा मिडिल तक, दैट्स इट। जितना अंदर की तरफ लगाओगे ना उतनी आईज आपकी पॉप आउट होके आएंगी लाइक दिस। यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम दिस कॉर्नर एंड गो लाइक दिस। आपको ब्रश की भी जरूरत नहीं है, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। एक सिंपल आई लुक एकदम पार्टी आई लुक में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आईब्रोज भी फटाफट फिल कर लेते हैं। मेरे पास कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, सो आई एम यूजिंग माई फेवरेट बेनिफिट का गूफ प्रूफ ब्राउ पेंसिल। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। काफी अच्छा नेचुरल इफेक्ट देती है, बट एट द सेम टाइम मेरी आईब्रोज को भी फिलअप कर देती है। सो आई एम जस्ट गोना यूज इट लाइक दिस। मैं इसको काफी दूर से पकड़ती हूँ, बिकॉज जितना पास से पकड़ो ना उतना प्रेशर आता है। हमें आईब्रोज में बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, हमें बिल्कुल एक लाइट नेचुरल सा कलर चाहिए। सो मैं काफी दूर से इसको पकड़ती हूँ। Eyes are all done, base is all done. Now it's time for lipstick. Lipstick भी मैं काफी muted use करने वाली हूँ, कुछ भी loud चटाक नहीं, because eyes हो गई है थोड़ी सी nude way में ना, तो मुझे lipsticks भी ऐसी अच्छी लगती है। ज़्यादा loud lipstick मैं इतनी लगाना prefer नहीं करती। मुझे इस particular range का जो shade है मद्रास काफी बहुत पसंद है, मैंने इनफैक्ट पूरा खत्म कर दिया, बहुत थोड़ा उसमें बचा है। नाउ आई हैव द न्यू शेड, शेड नेम इज बॉम्बे, ये भी काफी क्लोज एकदम न्यूडिश वाला ही शेड है। उससे पहले मैं जरा अपने लिप लाइन कर लेती हूँ। मार्स का एज ऑफ डिजायर लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। दिस वन इज इन द शेड स्कैंडलस ब्राउन, जो एकदम डार्क ब्राउन शेड है। आप जरा डिफरेंस देखना है, बहुत ज्यादा डार्क है। दिस इज हाउ द मार्स स्कैंडलस ब्राउन लुक्स लाइक, वेरी डार्क डीप कलर। सो उसके बाद जब न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। नाउ दिस इज बॉम्बे, लेट्स ट्राई इट। थोड़ा ड्राई हो चुका और एकदम मैटिफाई हो गया। आई लव दिस फॉर्मुलेशन, बिल्कुल भी एक्सट्रीमली लाइक ड्राई फील नहीं होती, मेरे होठों को सुखाती नहीं है, चैपी फील नहीं होती। इट्स नरिशिंग बट एट द सेम टाइम मैटिफाइड, व्हिच आई पर्सनली लव। एंड लुक एट द शेड, नाइस। Makeup is all done. Now it's time to set our face. I'll be using the Max Fix Plus in a different variant. I think ये भी एक limited edition sort of variant उन्होंने निकाला था। This is the Stay Over Long Lasting Setting Spray. This is how it looks like. ये भी Fix Plus ही है, लेकिन उसका एक difference इन्होंने different formulation sort of एक बनाई है। And this is how the packaging looks like. Very fun and quirky. And let me just shake it really well because मैं इसको first time use कर रही हूँ। And just spraying it on my face. ओ नाइस, द मिस्ट इज फाइन। मेरे पास मैक का सेटिंग स्प्रे है, उसका जो मिस्ट है वो बहुत ऐसे काफ़ी बने ऐसे थिक थिक लगता है, ऐसे वाटर के पार्टिकल्स पता चलते हैं, बट मिस्ट इज वेरी लाइट। नाइस, आई लव टू टेक अ बाथ इन सेटिंग स्प्रे सो दैट पूरा मेकअप अच्छे सेट हो जाए। अगर आपको लग रहा है आपका मेकअप कहीं से भी क्रीज कर रहा है, कहीं से भी, यू कैन जस्ट टेक एनी गुड स्पंज। आई हैव अ ब्यूटी ब्लेंडर राइट ओवर हेयर, सो कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लिया। एंड जैसे मेरे को यहाँ पे क्रीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ड्रैग नहीं करना, उसको ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं देना, बहुत हल्के हाथ से ऐसे डब डैब कर देना, दैट्स इट। इससे क्या होगा, आपकी जो भी क्रीजिंग है वो चली जाएगी। And now I'll allow it to settle. जब भी आपका हल्का सा फेस पे सेटिंग स्प्रे होता है, हाईलाइटर लगाते हो ना, वो और ज्यादा पॉप करता है। अगर आप सेटिंग स्प्रे से पहले हाईलाइटर लगा लोगे और अगर आपका सेटिंग स्प्रे मैट हुआ तो आपके मेकअप को मैट कर देगा, हाईलाइटर को बहुत डाउन कर देगा। सो मेक श्योर इस स्टेप पे आप हाईलाइटर लगाओ ताकि अच्छे से पॉप करे। आई एम यूजिंग माई ओल्ड फेवरेट मैक का हाईलाइटर बिकॉज आई डोंट हैव एनी न्यू हाईलाइटर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पार्टी फेवरेट हाईलाइटर है। जस्ट डूइंग लाइक दिस, इससे क्या होगा, वो गीली गीले सेटिंग स्प्रे पे ना आपका हाईलाइट एकदम पॉप करेगा। लाइक लुक एट द डिफरेंस, यहाँ भी ग्लॉसीनेस है बट दिस साइड इज जस्ट ओवर द टॉप ग्लो। एंड दिस इज द फिनिश्ड मेकअप लुक यूजिंग ऑल द न्यू मेकअप आई हैव, और थोड़ा बहुत मैंने अपना पुराना भी यूज किया है। फाउंडेशन के टोन पे मत जाना, आई टोल्ड यू फाउंडेशन हल्का सा वॉर्मिश है, तो काम चला लो उससे। दिस इज माई रियल स्किन टोन बाय द वे, डिफरेंस पता चल रहा है। बट या अपने शेड का सुपरस्टे का टोन लोगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। एंड आई थिंक द होल लुक इज जस्ट परफेक्ट, आप इसको एज अ रेफरेंस भी ले सकते हो अगर आपको कोई पार्टी वेडिंग मेकअप लुक करना है। दिस इज समथिंग वेरी इन ट्रेंड, हल्का सा ऐसे न्यूड स्मोकी आईज, हल्का सा न्यूड लिप्स, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी है
अच्छे भी लगते हैं, इवन इफ यू आर अ टीनेजर और यंग गर्ल, तो ऐसे मेकअप लुक काफी नेचुरल और क्लासी लगते हैं. सो या दिस इज द फाइनल मेकअप लुक. इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज चेक कर लेना. जो भी आपको डाउट हो, अगर कुछ लगता है, कुछ पूछना है, तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड डू लेट मी नो मैं और कौन से प्रोडक्ट्स के रिव्यू शूट करूँ. आपको जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मैं जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ परचेज करूंगी, आई मेक श्योर कि आपका जो डिमांड है मैं फुलफिल कर पाऊँ वी आर यूट्यूब. एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ऐसे मेकअप रिव्यूज चाहिए या फिर नहीं चाहिए, जहाँ पे फोकस ट्यूटोरियल पे नहीं होता, जहाँ पे फोकस इतना नहीं होता लुक क्रिएट करनी है, जहाँ पे प्योरली फोकस होता है प्रोडक्ट को रिव्यू करने में. सो अगर आपको ऐसी वीडियोज और चाहिए, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.